टीआरपी क्या है? आखिर क्यों न्यूज चैनल से लेकर टीवी सीरियल तक लोग टीआरपी टीआरपी की रट लगाए रहते हैं? आखिर ये टीआरपी से होता क्या है और टीआरपी को कैसे मापा जाता है या कैसे पता लगाया जाता है कि इस चैनल की टीआरपी अधिक या कम है, और टीआरपी को लेकर फिलहाल न्यूज चैनल्स में किस प्रकार से धांधली हो रही है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। ये एक प्रकार का उपकरण है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सा चैनल या कार्यक्रम सबसे अधिक देखा जा रहा है और किस चैनल को लोग सबसे अधिक पसंद कर रहे हैं। आमतौर पे सभी टीवी चैनल्स और न्यूज चैनल्स की पूरी इनकम एडवर्टीजमेंट पर ही डिपेंड होती है। यहीं पर टीआरपी का सबसे बड़ा रोल है। जिस चैनल की टीआरपी अधिक होगी, उस चैनल को विज्ञापन देने वाली कंपनियां अधिक पैसे देंगी और उस चैनल को अधिक एडवर्टीजमेंट ऑफर भी किए जाते हैं। इसी टीआरपी से उस चैनल की वैल्यू इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच जाता है। टीआरपी कम या ज्यादा होने से टीवी चैनल्स की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। सरल भाषा में समझे तो सभी टीवी चैनल्स की पूरी कमाई एडवर्टीजमेंट पर ही डिपेंड करती है और उस एडवर्टीजमेंट के लिए उस चैनल को कितने पैसे दिए जाने हैं, ये टीआरपी पर डिपेंड करता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि टीवी चैनल्स के लिए टीआरपी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। इन्हीं कारणों से टीवी चैनल्स टीआरपी के पीछे भागती हैं। टीआरपी के लालच में ही मीडिया वाले अपने चैनल्स पे खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि लोग उनके चैनल को ज्यादा समय तक देखें और उनका वॉच टाइम बढ़े, जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। कभी कभी तो जानबूझकर अपने शोज में पैसों से मेहमानों को बुलवाकर भड़काऊ भाषा का उपयोग करवाते हैं और खुद ही उन्हें खरी खोटी सुनाकर उनकी बेइज्जती करते हैं और उन्हें डिबेट से बाहर कर देते हैं। और हमारी भोली भाली जनता ये सब रियल समझकर उस चैनल को देखने लगती है, जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है और यही तो उनका मेन मकसद होता है। कुछ चैनल्स तो टीआरपी के लालच में अपनी मर्यादा भी भूल जाते हैं। अब ये टीआरपी मापी कैसे जाती है? भारत में बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल नाम की एक एजेंसी है जो टीवी चैनल्स के टीआरपी का अनुमान लगाने का काम करती है। इसके लिए बार्क एजेंसी पीपल मीटर नाम के एक डिवाइस का उपयोग करती है जो कि सेटअप बॉक्स के साथ गोपनीय तरीके से लगा दिया जाता है। ये डिवाइस सभी घरों में नहीं लगी होती, बल्कि पूरे भारत में सिर्फ 44,000 घरों में ही पीपुल्स मीटर लगाई गई हैं। ये डिवाइस रैंडमली सभी कैटेगरीज के हिसाब से घरों में लगाया गया है, जैसे कि कुछ डिवाइस शहरी क्षेत्रों में और कुछ डिवाइस ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इसके अलावा एज, जेंडर और लैंग्वेज की कैटेगरी से भी इस डिवाइस को सेट किया गया है, जैसे कि जिन घरों में बच्चे भी हों और जिन घरों में केवल युवा पीढ़ी रहती हो और जिन घरों में बुजुर्ग भी रहते हों। इसके साथ साथ अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषाएं बोलने वालों के घर ये डिवाइस रैंडमली लगाए जाते हैं, जिससे बार्क को सभी कैटेगरीज के हिसाब से एक रॉ डाटा मिल जाता है और बार्क इसका फ्रिक्वेंटली अनुमान लगाती है कि कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है। अब टीआरपी को लेकर किस तरह से धांधली हो रही है, इसे समझते हैं। बार्क एजेंसी ने पीपुल डिवाइस को गोपनीय तरीके से घरों में लगाने का काम हंसा रिसर्च को दिया था, पर इसके कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों ने ये डिवाइस किन किन घरों में लगाया है ये जानकारी कुछ टीवी चैनल्स को दे दी, जिससे टीवी चैनल वाले उनके घरों में जाकर उन्हें पैसे देकर उनके चैनल को ज्यादा समय तक देखने के लिए बोलने लगे। आप इसका अनुमान लगा ही सकते हैं कि पूरे भारत में मात्र 44,000 डिवाइस ही लगाई गई हैं, जिसमें से एक भी डिवाइस अगर पकड़ में आ जाती है तो टीआरपी के आंकड़ों में बहुत अधिक फेरबदल हो जाएगा। हाल ही में 3 टीवी चैनल्स का नाम इस धांधली में सामने आया है, जिसमें से एक फेमस न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत भी है। इसके अलावा फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा ने भी टीआरपी के लिए घर घर घूमना शुरू कर दिया था। जब मुंबई पुलिस को इसकी भनक लगी, तब जांच के बाद पता चला कि जिन घरों में मराठी और इंग्लिश वर्जन रिपब्लिक भारत देखा जा रहा था, उस घर के एक भी सदस्य को ना ही मराठी भाषा समझ में आती थी और ना ही इंग्लिश। ऐसे इनकी टीआरपी की चोरी पकड़ी गई। अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि टीवी चैनल्स और न्यूज चैनल्स वाले टीआरपी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हमें भी इन मिर्च मसाला वाले न्यूज या टीवी सीरियल्स पर अपना कीमती समय गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जानबूझकर ऐसा कुछ करते हैं कि आप उसे देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। न्यूज चैनल्स की भड़काऊ डिबेट भी हम देखने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी कुछ होती ही नहीं है। आई होप कि आप टीआरपी और टीआरपी की हो रही धांधली को समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।